आज कोई गेस्ट आ रहा है। क्यों लिफ्ट से क्यों नहीं आई? फिर रश में है, फटाफट से एक सिंपल सा सूट पहना है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज कुहू के टिफिन में है गर्मा गर्म पोहा। जी हाँ, आज पोहा बना है। ये है पोहा। यहाँ पर है ये हाइड एंड सीक वाले बिस्किट और ये है थोड़े से बनाना चिप्स। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको पैक। पहले यहाँ पर एक बटर पेपर लगा देते हैं सिक्योर करने के लिए। ये है स्पून और ये है इसका लिड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है, सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है और आज कोई गेस्ट आ रहा है। अभी आपसे मिलाती हूँ कि कौन आ रहा है। जब तक मेरी गेस्ट ऊपर आ रही है, आप देखिए सूरज कितना सुंदर लग रहा है, ये सनसेट कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये मैडम पास आती रहेंगी, आप शायद पहचान जाएं। जो लोग मेरे व्लॉग में पुराने जुड़े हुए हैं वो जरूर पहचान जाएंगे कि ये कौन है। हेलो बेबी, कितना बेकार लग रही है। तुम अच्छी लग रही है। मैं हमेशा बेकार ही लगती हूँ। पागल क्या, हमेशा की तरह। फाइनली फिर से मुलाकात हो गई। हेलो। ऐसे ही आती जाती रहा करो, शूट लगवाती रहा करो यहाँ के। सब कुछ इतना अचानक से प्लान हुआ कि मैं बहुत कुछ तो नहीं बना पाई नाश्ते में, बस ये थोड़ा सा नाश्ता मैंने रखा। तो ये है मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड, और जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हुए हैं उन्होंने इनको भी देखा होगा। ये अभी लखनऊ आई हुई हैं किसी काम से, इनका शूट चल रहा है तो ये आई हुई हैं। तो बस मुलाकात करने मैंने अच्छा बोला घर पे आओ मिलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। कब मुलाकात होगी? अब होगी नेक्स्ट छुट्टी में, मिलती हूँ बहुत जल्द। जल्द से जल्द आना। हाँ जी, और पहले से बता के रखना। और थैंक यू इतना सारा प्यार के लिए। माय प्लेजर। इस बार घूमेंगे। हाँ, इस बार घूमेंगे। इस बार याद से फोन उठा लूंगी। कोई बात नहीं, बिजी रहती हो तुम, इतना अंडरस्टैंड तो मेरे को भी, कहीं ना कहीं बिजी ही होगी। हाँ ठीक है, इस बार पक्का मिलेंगे। मिलेंगे हम लोग। चल बाय बाय। आज ये जो हमारा मिलने का प्लान बना ना, वो इतना सडन था कि हम सिर्फ बातों में ही रह गए, बहुत कुछ शूट भी नहीं कर पाए। और मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे पाई उसे। तो जितनी देर भी थे हम लोग साथ में, बहुत अच्छा समय बिताया, खूब सारी बातें की। और तुम जल्द से जल्द वापस आना, बस यही बोल करके इसी के साथ मैं इसको विदा कर रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स कह लीजिए, या मतलब ये तो इतना अच्छे से ना कि दीदी दीदी दीदी, वो पता नहीं कैसे एक बॉन्ड बन गया। और उसमें पूरा का पूरा हाथ इस लड़की का ही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, लेकिन इसने जो गेस्चर और जो प्यार दिखाया और जो रिस्पेक्ट से ये मुझसे बात करती थी, उससे ही हमारी दोस्ती यहाँ तक आ गई। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी रश में है, फटाफट से एक सिंपल सा सूट पहना है, तो थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया है, क्योंकि कुहू की फटाफट आओ कुहू, ये कुहू का लुक है। कुहू की फ्रेंड का है बर्थडे, जहां हमें जाना है। काफ़ी रश में अभी मेरी फ्रेंड गई है, उसके जाने के साथ ही साथ मैंने फटाफट से सारी तैयारी की है जाने की। भूत लग रही हूँ लेकिन अभी ठीक लगूंगी आपको। चलो बाय बाय। सारा दिन गिफ्ट लेने का भी समय नहीं मिला, रास्ते से गिफ्ट पिक किया है, अब निकल चुके हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी आज सारा दिन किया आपने देखा, एकदम समय नहीं था। और ये है वेन्यू जहाँ पर हम आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, जो टाइम हमारा था उससे हम लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे यहाँ पर अभी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बैठी है बर्थडे गर्ल आद्या, जिसका बर्थडे है, और केक कटिंग से पहले यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है हाउजी का, तो अभी सब लोग बैठ के हाउजी खेलेंगे, उसके बाद केक कटिंग होगा। इस पार्टी के खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि कुहू हाउजी जीती थी, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। यहाँ पर मैं और कुहू की फ्रेंड की मम्मा बैठे हुए हैं।
और केक कटिंग भी शुरू हो चुका है। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जब भी केक कटिंग होता है। तो आद्या बेटा हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, खूब आगे जाओ, यही ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। चाहे हमारा बचपन रहा हो या इन बच्चों का, बर्थडे हमेशा लाइफ की सबसे अच्छी पार्टी होती है। बच्चे कितना खुश होते हैं, पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर मेरे साथ है बड़े गर्ल की मम्मा जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। उन्होंने आकर बोला चलिए फटाफट खाना खा लीजिए, तो मैं अपनी प्लेट लगा करके ले आई हूँ। यहाँ पर मैं कुहू के सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ करके अपना खाना खा रही हूँ। सच में बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी थी, मज़ा आया। अब वापस हम घर आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है। नहीं मेरा भी करती है ना, तुम्हारा भी करेंगे। नहीं सूरत में मत जाइएगा, बहुत बुरी हालत है। बर्थडे पार्टी से आ चुके हैं। आई थिंक मैं गलत खड़ी हूँ। बर्थडे पार्टी से आ चुके हैं, पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए। मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, तो देखिए कितना प्यारा सा रिटर्न गिफ्ट मिला हुआ है। wow! ये वाला हाइड एंड सीक मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो बस मैं एक निकाल के खा रही हूँ। मनो, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, नहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। हालत एकदम खराब हो चुकी है, इनकी ज्यादा खराब है। सुबह से बैठी हुई एक जगह पे। यार मुझे कल स्कूल जाना है, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आती ये सब बोल के? इंसान को स्कूल जाना है, वो जाएगा, 6 घंटे स्कूल में रहेगा, कैसे करेगा वो? ये भी तो बात है ना। तुम्हें स्कूल कौन भेजेगा? हम। टिफिन कौन बनाएगा? हम। रेडी कौन होगा? हम। 3 days later यहाँ पर बन रही है मटर पनीर की सब्जी, ये देखिए। और मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। रोटी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले आटा सानना होगा। आटा सानूंगी, रोटी बनाऊंगी, और कहाँ पे जा रही हूँ वो आपको व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। खाना पूरा बन चुका है, डिनर में मैंने क्या क्या बनाया है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है पनीर की सब्जी, ये है मिक्स वेज, ये है पुलाव, और ये है सादी रोटियाँ। क्योंकि घर का खाना तो मैंने सोचा एकदम सादा रखते हैं, और पनीर में भी मैंने बहुत वैसे क्रीम या ये सब चीज़ें यूज़ नहीं की है, बहुत ही सादा और सिंपल खाना बनाया है। मेरे पास स्टील के बॉक्सेस नहीं हैं, है मतलब, लेकिन वैसे वाले नहीं हैं कि हम कहीं दे सकें, तो मैंने इसलिए जो भी मेरे पास कंटेनर्स थे मैंने उन्हें यूज़ किया है। अब मैं ये सारी चीज़ें पैक करती हूँ, फटाफट से लेके चलती हूँ आपको जहाँ मैं जा रही हूँ। जो मेरी प्यारी सी फ्रेंड घर आई थी, मैं उसके लिए खाना लेकर के जा रही हूँ। कल उसका यहाँ लखनऊ में लास्ट डे है, तो आज मैं उससे मिल भी लूँगी, उसे घर का खाना भी खिला दूँगी। उस दिन समय नहीं था हमारे पास कि हम बहुत कुछ कर पाए, तो मैं खाना उसे नहीं खिला पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ले करके चलती हूँ उसके लिए। तो मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ चुकी हूँ। क्या बोलूँ ना, मुँह सूज गया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लव। लव यू टू। कुछ रिश्ते आप कभी बनाते नहीं हैं, वो बन जाते हैं। एक शूट पे हमारी मुलाकात हुई थी, और इस बच्ची का नेचर और स्वभाव और जेस्चर इतना अच्छा था कि आज भी हम साथ हैं, टचवुड। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।